हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरे एक फ्रेंड का पूजा स्पेस, जो कि बहुत कॉमन स्पेस है जहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट्स में हम लोग कैबिनेट्स में अलमीराज में अपने पूजा का सेटअप करते हैं। सो छोटे स्पेस को बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की हैं जो कि बहुत कॉमन है और हमेशा हेल्पफुल रहती हैं। जैसे कि आप लाइट कलर चूज़ करिए ताकि स्पेस बड़ा लगे। सेकेंड थिंग, अगर उसी कलर से मिलते जुलते आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे स्पेस थोड़ा और बड़ा दिखता है। लाइट्स तो स्पेस को ब्राइट भी करता है और थोड़ा स्पेशियस भी दिखाता है। तो इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं, छोटे छोटे DIYs मैंने किए हैं क्योंकि अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, सब डेकोरेशन में मेकओवर्स में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस दुर्गा पूजा में और दिवाली में आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और इसके साथ ही मैंने भी अपने स्पेस का, पूजा स्पेस का एक मेकओवर शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा है सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये प्राइमर। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, खासकर ऐसे में जहाँ आपका बेस काफ़ी डार्क हो। तो यहाँ पे मैं कम से कम 2 कोट प्राइमर के दूंगी। 2 कोट प्राइमर देने के बाद मैं इसको अच्छे से ड्राई होने दूंगी। फिर मैंने इसके साथ जो कलर चूज़ किया है वो है ये येल्लो कलर, जो कि एशियन पेंट का है। अब ये लाइट है इसलिए प्राइमर के मैंने 2 कोट दिए हैं और इसके भी मैं कम से कम 2 कोट दूंगी। दोनों कोट्स के बीच में कम से कम 8 या 9 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, तब बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ पे कर्टेन। तो कर्टेन के लिए, मेजरमेंट के लिए ऑलरेडी मेरे पास उनका पुराना कर्टेन है। तो कटिंग कुछ इस तरीके से होगी कि टॉप में जो वायर का स्पेस है वो रहे और नीचे जो है फिनिशिंग के लिए स्पेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी जिससे कि यहाँ से थ्रेड ना निकले, अच्छी फिनिशिंग आए। ये सिर्फ मैं 3 साइड ही करूँगी, 1 साइड ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब वायर पास करने के लिए जो स्पेस बनाना है उससे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी लेस। उससे क्या होता है, ऊपर टॉप में एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो लेस का कलर कॉम्बो कुछ इस तरीके से है और इसको मैं लगा लूँगी सिर्फ 3 साइड में। ऊपर साइड में नहीं लगाऊंगी जहाँ पे वायर वाला है, उसमें हम बाद में करेंगे और कुछ और करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने वायर पास करने के लिए स्पेस कर दिया और इस तरीके से गोटा लगाने से यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो लास्ट टाइम अगर आपने मेरे मंदिर का मेकओवर देखा होगा तो उसमें मैंने डिफरेंट तरीके से कर्टेन का डिज़ाइन डाला था। इस बार मैं थोड़े चेंज करते हुए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डाल रही हूँ। इस टाइम पे मैंने इस तरीके से लुक क्रिएट किया है और सिंपल मैं यहाँ पे बीट जो मोती हैं पर्ल्स वो लगाऊंगी और इसको डेकोरेट करूँगी, फिर ये हमारा कर्टेन रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं कुछ बनाने वाली हूँ हैंगिंग लैम्प्स टाइप में, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल बाउल्स लिए हैं। और सबसे पहले मैं इसको करूँगी कलर। कलर के लिए मैंने यहाँ पे रेड 10 शेड लिया है, बहुत डिफरेंट शेड है कलर। यहाँ फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स हैं और बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसके टॉप में यहाँ पे इस पोर्शन में मैं कलर कर दूंगी। कलर ड्राई होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी गोल्डन कलर से, जो कि एक्रिलिक कलर ही है। और बहुत ज़्यादा मैं इसको भरूँगी नहीं, सिंपल डॉट डॉट करके मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। अब जब ये हमारा ड्राई हो जाएगा तो अब मैं सब
करूँगी इसमें कुछ हैंगिंग के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड लिया, आप चाहें तो वायर भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ लिया मार्कर। तो अब मैं मार्क करूँगी जहाँ जहाँ से मुझे थ्रेड पास करने हैं, ताकि मुझे इसको हैंग करने में काफ़ी ईजी हो। तो सुई धागे से ही बहुत ईजीली हो जाएगा। अब मैं इसको रेडी कर लूँगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं, देख के ही समझ में आ जाएगा। क्रॉस कर रही हूँ मैं बेसिकली इसको हैंग करने के लिए। अब जब ये रेडी हो जाएगा फिर हम इसको फिक्स करेंगे। सो अभी जो टॉप के पोर्शन है वो रेडी हो गए हैं। तो अब जो ये बॉटम के लिए मैंने रेडी किया है, अब मैं यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से जो है इसको दोनों को अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट फेविकॉल से भी बहुत इजीली हो जाएगा। हॉट ग्लू गन से थोड़ा सा गैप आ जाता है, इसलिए मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत सिंपल मैथड से हमारा एक तरीके से हैंगिंग लैम्प रेडी हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने पहले भी इसको ट्राई किया है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये चौकी, जो कि मैंने उस स्पेस के हिसाब से ही चूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रिंग मार्क की हेल्प से इसको स्मूथ करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करूँगी। प्राइमर के बाद यहाँ पे वाइट ही मैं कलर से इसको पूरा पेंट कर लूँगी। सो सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे ये दो जे हुक्स, जो कि आपको हार्डवेयर शॉप में बहुत ईजीली मिल जाएगा। इसको लगाना काफ़ी आसान है। जो ये हुक है उसके ही शेप का एक आप नेल ले लीजिए और पहले हल्का सा होल कर दीजिए, ताकि जो स्क्रू है वो जाने में काफ़ी इजी हो, क्योंकि हुक्स में स्क्रू टाइप का होता है। तो आप खाली उसको हाथ से ही घुमा के इजीली आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक हुक बिल्कुल आगे की साइड सेंटर में रखा है, और दो हुक्स को जो कि इससे स्मॉल साइज़ के हैं उसको मैं बैक के राइट एंड लेफ्ट साइड में लगाने वाली हूँ। फिर जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं उन सबको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगी।